जी नाज़रीन, हम आपको वो निवाज़ भाई का कमरा दिखाते हैं जहाँ पे वो आजकल भी सोते हैं और पहले भी यहाँ सोते रहे हैं। ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੱਗਦੇ ਟੱਪਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲਦ ਦੀ ਫੌਤ ਹੈ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਪੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਮਲੇ ਸੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਲੰਬਾ ਕਾ ਏਰੀਆ ਰਈਸਾਬਾਦ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਕਾ ਜੋ ਹੈ घर है जो भोला भाला दोस्त है आसम जमील साहब का। तो ये उसके घर का दरवाज़ा आप देख सकते हैं, लकड़ी का दरवाज़ा और कच्ची दीवारें हैं और कुछ पक्की दीवारें हैं। तो मालूम ये हुआ कि अभी जो है वो आसम साहब की तलाश में फैक्ट्री के बाहर गया हुआ है। तो एक यहाँ का रिहायशी जो शख्स है वो मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारा सा नाम बता दें। खिज़र याद। खिजर हयात। खिजर याद भाई आप यहीं के रहिए? हाँ जी यहीं के रहिए। कितना अरसा हो गया यहाँ आपको? 30 साल। अच्छा, ये निवाज जो है जो आसम जमील साहब का दोस्त है भोला बाला, हाँ जी, उसका घर यही है? यही है। कितने बहन भाई हैं वो? 5 भाई हैं। अच्छा, ये पांचों भाई जो हैं ये सारे इसी तरह हैं या कोई ठीक भी है? 2 ठीक है। 2 ठीक है। हाँ जी। वो क्या काम करते हैं? एक मजदूरी करता है और एक ये मौली साहब के लिखा देता है। आपको उनके भाइयों के नाम का पता है? हाँ, कुछ भाइयों का नाम पता है जी, बताइएगा। बताओ। यहीं पे एक और भाई भी पहुंचा है इसी इलाके से, अल्लाह के इसका। ये निवाज के जो भाई हैं उनका नाम पूछ रहे हैं। निवाज आप बता तो रहे। गुलाम शबीर। अच्छा, पहला गुलाम शबीर, दूसरा उमर, उमर तीसरा दराज, उमर दराज, उमर दराज। अच्छा, उनका फैमिली है। हाँ जी, और उनका सारे बच्चे नंगे तरंगे हैं। हाँ जी। अच्छा, और इनके 4 बहन हैं। अच्छा। वो भी भोली भाली हैं। अच्छा, वो भी ठीक नहीं है। वालद वालदा जिंदा है? वफात पा गए हैं। वफात पा गए। अच्छा, इनमें से निवाज की भी शादी हुई है? बुलाना नहीं, निवाज की नहीं। नहीं, निवाज की नहीं। किसकी हुई है? शबीर, गुलाम शबीर। एक शबीर की, एक की। अच्छा, जैसा कि अब ये पूरी YouTube पे बल्कि पूरे पाकिस्तान पे वायरल है, यहाँ कितने लोग आते हैं उसको मिलने के लिए, उनसे पूछने के लिए भी ये निवाज है हम देखें कौन सा है जो आजकल वायरल है? वो मोड़ पर आते हैं, उसी जगह पर उसको मिलते हैं, उसी जगह से मिलकर वापस चले जाते हैं। हमें नहीं पता कि कितने आते हैं कितने जाते हैं। इधर कोई नहीं आता? इधर नहीं आता। अच्छा, निवाज कैसा इंसान है? निवाज भोला भाला आदमी है। अच्छा, अल्लाह ताला का आदमी है। अच्छा, आसम साहब जो खुद भी कहते हैं कि नफ्सियात के मरीज थे, और ये भोला भाला, ये कोई बात बनती नहीं लगती। ये किस तरह उनका तल्लक था और उसको इससे इतनी मोहब्बत थी? उनको मोहब्बत थी, ये गरीब आदमियों को एहसास करता था, गरीब आदमियों का ख्याल रखता था। वो इतना अच्छा आदमी था, वो ये जितने भी बस्ती वाले हैं ये सब का ख्याल रखता था वो। अच्छा, हर आदमी का। हाँ जी, गरीब आदमियों का। आपके यहाँ रहते हुए कभी आसम जमील साहब यहाँ इनके घर भी आए? नहीं, नहीं आए। अच्छा, ये उनके पास जाता था? नहीं, वो मोड़ से लेकर चला जाता था फैक्ट्री में अंदर। मतलब निवाज को पता होता था कि इस वक्त जो है आसम साहब यहाँ से गुजरेंगे? खड़ा रहता दिन रात, उतना खड़ा रहता चौक पे। वो बेचारा कमला सियाणा सी ना जी, उत्थे खड़ा रहता सी सुबह शाम नु रोटी रोटी होटल वाले दे दिंदे सी इकबाल होटल वाले, इकबाल होटल के सामने ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੱਗਦੇ ਟੱਪਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲਦ ਦੀ ਫੌਤ ਹੈ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਪੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਮਲੇ ਸੈਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਸਮ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ? ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤਮਾਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਣਾ ਦਵਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਮਾਜ਼
उसे जाके आला खाना खुआ अपने नाल खाना खुआ। कभी उसने आसम जमील ने कभी भी बू नहीं सी रखी जिम्मेदार वाली, हालांकि बड़ा जिम्मेदार है इस इलाके का और बहुत शोहरत याफ्ता मौलाना तारिक जमील का बेटे ने डॉक्टर ताहिर कमाल के भतीजे ने। इतना अच्छा होने के बावजूद इतने बड़े घर के होने चश्मो चिराग जिम्मेदार भी साढ़े इलाके सब तो बड़े जिम्मेदार ने डॉक्टर ताहिर कमाल मौलाना तारिक जमील साहब। अच्छा ये आसम जमील साहब क्योंकि जिस तरह तुम दस दे नफसियाती मरीज से ये उन्होंने पता लगे हूँ जो निवाज में भी वो इस दुनिया से नहीं रहे ते कोई रिएक्शन भी नजर आया? बड़ा रिएक्शन आया जी। वह दौड़ता सड़क उत्ते मियाँ मियाँ पुकार जी मियाँ मियाँ पुकार और फिर उन्होंने डेरे से जाता सगा फिर डेरे से नजर ना आए फिर घर के गेट से जाता सू सिक्योरिटी वाले भी नहीं रोकते फिर उसके कमरे के करीब जाके ना जी बैठ जाता सी रोंदा रहिंदा सी फिर वो कमरे से वेखदा सी फिर उस दौड़ता कमलिया वांगू है जो कमला सी बेचारा वो दौड़ के बाहर निकलता सी फिर जो बाहर सिक्योरिटी वाले उन्होंने पूछा मियाँ 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 कि इस तरीके ना जी वो वाकई ही आसम जमील साहब बहुत अच्छा इंसान सी हर बंदे नाल प्यार रखता सी। हद तक मैं एक मजदूर आदमी है गरीब आदमी है लेकिन हर गरीब नाल हर गरीब नाल उसकी मोहब्बत सी जी। अच्छा ये निवाज भाई जो भोला बाला है उसकी कबर से भी गया? हाँ जी उसकी कबर से जाता बैठता बड़ी देर तक बैठा रहता रोंदा रहता जी। जी नाजरीन ये थे इनके मोहल्ले वाले इनके हमने तसरात लिए मोहम्मद अफजल इनका नाम है और यहाँ पे कहता जी साकी के नाम से मशहूर हूँ। साकी तो पिलाने वाले को कहते हैं पता नहीं ये क्या पिलाता है। बहरहाल जी नाजरीन हम आपको वो निवाज भाई का कमरा दिखाते हैं जहाँ पे वो आजकल भी सोते हैं और पहले भी यहाँ सोते रहे। तो ये कमरा है आप देख सकते हैं ये जो है इसको देहाती जबान में तलाई कहते हैं। तो कमरे के अंदर अगर जा के देखें जैद भाई इधर आना ये देखें जी ये कमरा है। निवाज वाकई गरीब शख्स है आप देख सकते हैं और ऐसा गरीब शख्स एक यानी कि मौलाना साहब जो पूरी दुनिया में मशहूर है उनका बेटा हो और उसके साथ मोहब्बत ऐसे इंसान से आप देख सकते हैं ये तो अल्लाह का करम ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमात जो निवाज भाई का घर हमने दिखाया ये कच्ची दीवारें आपने देखी पसंद आया होगा। आपने कमेंट करना है और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम असद सिंधु को दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।